गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस किड्स। आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट 5 सच्चा मित्र पढ़ाया था, उसकी पोयम लिखवाई थी कॉपी में और उसके कठिन वर्तनी और शब्दार्थ भी कराए थे। आज मैं आपको उसी के आगे उसका मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमें खाना कब खाना चाहिए? हमें खाना कब खाना चाहिए? उत्तर है, हमें मित्र को खिलाने के बाद खुद खाना चाहिए। हमें मित्र को खिलाने के बाद खाना चाहिए। पहला प्रश्न हो गया है। अब है आपका दूसरा प्रश्न, हमें मित्र की मदद कब करनी चाहिए? हमें मित्र की मदद कब करनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें मित्र को आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद करनी चाहिए। हमें मित्र को आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद करनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, हमें तन मन और धन से किसकी मदद करनी चाहिए? हमें तन मन और धन से किसकी मदद करनी चाहिए? उत्तर है, हमें तन मन और धन से अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। हमें तन मन और धन से अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। तो आपके मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे लिखित अभिव्यक्ति, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, तुम्हें किसकी मदद हमेशा करनी चाहिए? तुम्हें किसकी मदद हमेशा करनी चाहिए? उत्तर है, हमें हमेशा सच्चे मित्र की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा सच्चे मित्र की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 2 है, मित्रों की कठिनाइयों को कैसे दूर करना चाहिए? मित्रों की क
कठिनाइयों को कैसे दूर करना चाहिए। का उत्तर है, मित्र जब किसी कठिनाई में हो, मित्र जब किसी कठिनाई में हो तब उसका हाथ बटाकर उसको कठिनाई से दूर करना चाहिए, उसको कठिनाई से दूर करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन है, मित्र बीमार पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मित्र बीमार पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है, जब मित्र बीमार पड़ जाए तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। उत्तर क्या है, जब मित्र बीमार पड़ जाए तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। आपके तीन प्रश्न उत्तर हो गए हैं। आगे प्रश्न चार, प्रश्न चार है, हमारे मित्र हमारी मदद कब करेंगे। हमारे मित्र हमारी मदद कब करेंगे। उत्तर है, जब हम उनके कामों में उनका हाथ बटाएंगे। जब हम उनके कामों में उनका हाथ बटाएंगे तब वे हमें जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करेंगे। अब आते हैं प्रश्न पांच, अपने प्रिय मित्र का नाम लिखिए। अपने प्रिय मित्र का नाम लिखिए। ये उत्तर आपको स्वयं करना है। आप अपने मित्र का जो भी नाम हो वो लिख सकते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर पूरे करा दिए हैं। आपको सुंदर हैंडराइटिंग में वर्क कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।